एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ बुधवार को देश के कई राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद का मिला जुला असर बिहार में भी देखने को मिला। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बंद को लेकर वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर सड़क जाम कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी CAA, NPR और NRC का विरोध करते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। हाथ में भारत बंद का पोस्टर लिए सड़कों पर निकले पप्पू यादव ने CAA, NPR और NRC के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता शहर की दुकानों को बंद कराते हुए भी नजर आए। पप्पू यादव CAA, NPR और NRC का शुरू से ही पुरजोर विरोध करते आए हैं। सोमवार को भी पप्पू यादव ने वासेपुर पहुंचकर भी CAA का विरोध किया था और मोदी सरकार के कामों पर भी सवाल उठाए थे। और आज पटना में एक बार फिर पप्पू यादव सड़कों पर उतरे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। पप्पू का कहना है कि धर्म के नाम पर बांटने को लेकर सरकार ने ये कानून बनाया है, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब भारत बंद के समर्थन में उतरे पप्पू ने यह साफ कर दिया है कि CAA, NPR और NRC की खिलाफत करते रहेंगे। Okay.